हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। इस दिवाली करके देखे ये चमत्कारी उपाय हो जाएंगे आपके सारे दुख बाधाएं दूर। नंबर एक, दिवाली की रात्रि आप किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। नंबर दो, अपामार की जड़ लाए और पूजन के पश्चात अपनी दाहिनी भुजा में बांध ले। देखिए आपके कार्यों की बाधाएं कैसे दूर होने लगती हैं। नंबर तीन, गोमती चक्र को लकड़ी की डिब्बी में पीले सिंदूर के साथ रख दिया जाए तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने लगती है। नंबर चार, इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाए। नंबर पाँच, पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर इसकी नित्य पूजा करें। नंबर छः, इस तिथि को पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर सात, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। नंबर आठ, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर सात परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। नंबर नौ, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। नंबर दस, तेल का दीपक जलाए और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। नंबर 11, किसी बुजुर्ग इंसान का अपमान न करें और दीपावली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा करने पर बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। नंबर 12, इस रात में एक नींबू लेकर मध्य रात्रि के समय किसी चौराहे पर जाए और वहां उस नींबू को चार भाग में काटकर चारों तरफ रास्तों पर फेंक दे। नंबर 13, दीपावली के दिन घर के पश्चिम में खुले स्थान पर पितरों के नाम से 14 दीपक लगाए। नंबर 14, इस रात्रि को पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करें। इससे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 15, प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाए। ऐसा हर रोज करें। नंबर 16, ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाए। वस्त्र धारण कर सूर्य को जल अर्पित करें। लाल पुष्प सूर्य को चढ़ाए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज एवं वस्त्र का दान करें। नंबर 17, महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़िया भी रखनी चाहिए। ये कौड़िया पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नंबर 18, सुबह जब भी उठे तो उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। नंबर 19, रात्रि में कच्चा सूत लेकर उसे शुद्ध केसर से रंग कर अपने कार्य स्थान में रखने से उन्नति होती है। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। नंबर 20, लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। नंबर 21, पीपल का एक पत्ता तोड़ लाए और इसे पूजा स्थान पर रखे। शनिवार आने पर पत्ता पुनः पीपल को अर्पित कर दे और दूसरा पत्ता ले आए। यह प्रक्रिया हर शनिवार को करे। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे दबा दीजिएगा। इससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टिप्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।